हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लिंक्डइन का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। बहुत ही इजी स्टेप है, हम जान लेंगे 2 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। चलिए जान लेते हैं। देखिए, जब आप कोई पोस्ट, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपका कोई पोस्ट हो, आप लिखते हो, उसके लिखने के बाद उसमें सारी चीज़ें खूब अच्छे से डिज़ाइन करते हो, ऑप्टिमाइज़ करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसके बाद आप जब उस पर सेंड करते हो तो उनका वो बॉट होता है, वो बॉट चेक करता है, स्पैमिंग चेक करता है, उसकी क्वालिटी चेक करता है। जब वो सही पाता है, उसके बाद आपके जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है उनके पास उसको सेंड करता है। जब वहाँ पर सेंड करेगा, उसके बाद वहाँ जो रिस्पॉन्स होगा, चाहे वो लाइक होगा, चाहे वो कमेंट्स होगा, चाहे वो शेयर्स होगा, ये सारी चीज़ें फिर वो वहाँ पर जज होती हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा वहाँ पर, खूब अच्छे लाइक्स आ गए, खूब अच्छी सारी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद वही बोट क्या करता है, लिंक्डइन हेडक्वार्टर भेजता है। तो वहाँ पर फिर से आपकी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सारे क्राइटेरियाज नापे जाते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद वो आपके रिस्पॉन्स पर वो डिसाइड करते हैं कि इसको हम ट्रेंडिंग में लाएँ या ना लाएँ। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपके सेकंड डिग्री कनेक्शन, आपके थर्ड डिग्री कनेक्शन किसको भेजना है। वो रिस्पांस के बाद वो सारी चीज़ें करते हैं। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर सब अच्छे रहे, एकदम अच्छा सा रिस्पांस रहा, फिर उसके बाद वो ट्रेंडिंग में डाल देते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है, इसका एल्गोरिदम। तो हमने सीखा कि इसमें बॉट काम करता है, बॉट फिर फेच करके देखता है उसके सारे क्राइटेरियाज को, फिर आपके फर्स्ट कनेक्शन को भेजता है, वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर वाले फिर वहाँ से सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री वालों को भेजते हैं, फिर ट्रेंडिंग में आता है। तो दोस्तों, ये रहा एल्गोरिदम इसका, बस इतना इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ें सिखाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।